Hey guys, I'm back with my another video. आप देख रहे हैं फिटनेस एडिक्ट, मैं हूं आपका दोस्त सुशांत शर्मा। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थाइस जो वेस्ट होती है जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं उससे नीचे की हिप्स और थाइस कम करने की वर्कआउट बताई थी, और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको होम मेड प्रोटीन बताया था जो कि बहुत अच्छा बना था होपफुली। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियोज देखी होंगी और घर पर जरूर ट्राई की होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डंबल्स वर्कआउट, डंबल्स है वर्कआउट विथ अपर बॉडी और लोअर बॉडी। लोअर बॉडी का बाद में बात करेंगे, सिर्फ अपर बॉडी के बारे में बात करेंगे, डंबल से की जाने वाली अपर बॉडी की वर्कआउट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर देते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे डंबल्स हैं, ये देसी डंबल्स हैं, बहुत पुराने डंबल्स हैं। जब मैं छोटा था जब से देखता आ रहा हूँ, मैं अभी इनको यूज कर रहा हूँ। सो बेसिक वर्कआउट है, स्टार्ट करेंगे पुशअप से, पुशअप्स, डंबल प्रेस और 10 पुशअप्स, डंबल फ्लाई। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने अभी वर्कआउट लगाई ये थी डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई विद पुशअप्स। विदाउट पुशअप्स भी होती है, विद पुशअप्स भी होती है, विद पुशअप्स वाली ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब मैं लगाऊंगा बाइसेप्स क्रंचेस। चलिए हो रहा है। दिवाली जो मैंने वर्कआउट अभी लगाई ये थी शोल्डर प्रेस। अब मैं लगाऊंगा ट्राइसेप्स के लिए, इसका नाम है ट्राइसेप एक्सटेंशन। चलिए हो रहा है। ये मैंने सिंगल हैंड लगाई, आप डबल हैंड भी लगा सकते हो, दोनों डंबल को साथ में लेके, या अगर डंबल हैवी है तो डबल हैंड लगा सकते हो पीछे हाथ करके। अब मैं लगाऊंगा बेंट ओवर रोज। चलिए लगा। इसका नाम था बेंट ओवर रोज। अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा बेंट ओवर रेज। बेंट ओवर रेज एक्चुअली कंधों के लिए होती है, शोल्डर्स के लिए होती है हमारी, बट वो डबल हैंडेड लगती है, लेकिन मैं सिंगल हैंडेड लगाऊंगा। चलिए वो लगाते हैं।
सो गाइस ये वाली जो मैंने वर्कआउट अभी लगाई इसका नाम था बेंट ओवर रेस। ये मैंने सिंगल हैंड लगाई, आप डबल हैंडेड भी लगा सकते हो, वो ज़्यादा फायदेमंद है, बट ये भी अच्छी है, सिंगल हैंड एक एक करके आप लगा सकते हो। सो गाइस ये वाली जो वर्कआउट है आपको लेवल वाइज लगानी है। जैसे मान लीजिए आपने लेवल वन लगाया है, तो लेवल वन में आपने 10-12 रैप्स निकालने हैं। अगर हैवी वेट है तो लेवल बढ़ते रहेंगे और रैप्स थोड़े कम होते रहेंगे। इसी तरीके से आपके ये वर्कआउट लगेगी। तो आज की हमारी अपर बॉडी की वर्कआउट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए फिट रहें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या मेरे को कुछ बुरा लगा अच्छा लगा कमेंट्स में बस बता दो। और तब तक के लिए मेरे चैनल देखते रहें फिटनेस एडिक्ट, क्योंकि एनीबॉडी कैन फिट।